हे नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुब्रो पाठशाला में। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं सुब्रो पाठशाला। तो दोस्तों, ये आज की जो है हमारा करंट अफेयर्स की दूसरा वीडियो है। जो नए लोग हैं, अगर करंट अफेयर्स की फर्स्ट वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने सारे रेलवे भर्ती बोर्ड से जो भी आप लोगों के डाउट्स थे वो मैंने कवर करके वहाँ पर मैंने वीडियो को डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके वहाँ से देख के अपना सारे क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरीज बच जाती है तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, हम लोग आज की वीडियो को, करेंट अफेयर्स की जो वीडियो है, हमारा सीरीज चल रही है, उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम करेंट अफेयर्स की जो जीके की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, लाइक करने से क्या होगा कि हमें, मुझे जो है मोटिवेट होता हूँ मैं, आप लोगों के लाइक से जो मैं मोटिवेट होता हूँ, ताकि जो मुझे और एनर्जी मिलती है कि मैं और कंटेंट जो है समय समय पर आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ, ताकि आप लोगों की किसी न किसी रूप में जो है हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। तो बस यही सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और कुछ नहीं। जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले घंटी को ऑन रखिए। ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो आपको ऑन टाइम राइट टाइम पे जो वीडियो मिल जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीके जो आ रही है, सौरभ बने सबसे अधिक रैंक वाले स्क्वास के खिलाड़ी। ठीक है, तो भारत के उभरते हुए स्क्वास खिलाड़ी सौरभ घोषाल जो है 5 स्थान की छलांग मारकर जो है नंबर 14 पर पहुंच गए हैं, जो कि प्रोफेशनल स्क्वास एसोसिएशन PSA की नवीनतम रैंकिंग में जो है किसी भारतीय का जो है सर्वोच्च स्थान है। यानी कि याद रहे दोस्तों कि सौरभ घोषाल जो है 5 छलांग मारकर जो है आपका 14वां स्थान पर पहुंच गया, और जो प्रोफेशनल स्क्वास एसोसिएशन का कहना है कि नवीनतम एकदम न्यूनतम रैंकिंग में जो है किसी भारत का सर्वोच्च स्थान है। ठीक है, पूर्व भारतीय चैंपियन हरिंदर पाल संधु को जो है 49वें स्थान पर रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगली करंट जीके की ओर। तो अगली करंट जीके हमारी आ रही है कि निकोस जो है फिर से बने साइप्रस के राष्ट्रपति। तो अब बात करते हैं कि साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस जो है अनास्तासियादिस को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। अनास्तासियादिस के पास जो है 2013 में संकट के समय साइप्रस की अर्थव्यवस्था को सुधारने का श्रेय जाता है, इसीलिए जो है वहाँ पे इसको जो है दोबारा फिर से जो है चुना गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स अगली करंट की न्यूज़ चलते हैं। तो अगली करंट जीके की न्यूज़ जो आ रही है आपका एक रोबोटिक के साइड से आ रही है कि दुनिया का पहला रोबोटिक नागरिक आए भारत। ठीक है, आएगा भारत। तो आप लोगों को पता होगा कि दुनिया का पहला जो है नागरिकता हासिल करने वाला रोबोटिक का नाम क्या है, सोफिया। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं पता है तो जान लो कि सोफिया को जो है विश्व के ऐसे पहले रोबोट है जिसको नागरिकता प्राप्त है, और इसे और ये जो है इस महीने ही हैदराबाद के एक वैश्विक प्रौद्योगिक कार्यक्रम में जो है सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने की उम्मीद है। हांगकांग स्थित हैंस रोबोटिक्स द्वारा ब्रिटिश अभिनेत्री आर्डे हेपबर्न ने जो है की छवि में डिजाइन किया गया है। ठीक है, और सोफिया ने जो है पिछले दिसंबर में भारत में जो है IIT बॉम्बे में साड़ी में अपनी पहली उपस्थिति दी थी। ये जो है भारत में पहली बार पहले भी आ चुकी है। ठीक है, अब ये दूसरी बार आने की संभावना है इसकी। तो चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो अगली खबर जो आ रही है हमारे मिस्र से आ रही है। तो मिस्र में खोजा गया 4400 वर्ष पुराना मकबरा, काफ़ी पुराना है। तो मिस्र के कहिरा के पास जो है पुरातत्व विधियों में जो है द्वारा प्राचीन पुरोहित हिटपेट का मकबरा खोजा गया। किसका मकबरा खोजा गया, हिटपेट का। ठीक है, तो मकबरा जो है करीबन कितना साल पुराना है, तो 4400 साल पुराना है। हिटपेट के शिकार और अपने बच्चों से उपहार लेते हुए चित्रों से ढका हुआ है। उल्लेखनीय रूप से जो है हिटपेट के प्रजनन की देवी है थोर की सेवा की, जो कि प्रसव पूर्व में महिलाओं की सहायता करती थी। ठीक है, अब चलते हैं अगली करेंट की न्यूज। अगली करेंट जीके की न्यूज जो है वो हमारी आ रही है कि आज से ही जो है जनता के लिए खुलेगा मुगल गार्डन। ठीक है, तो 6 फरवरी आज है, आज से ही जो है जनता के लिए खुलेगा मुगल गार्डन। तो सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वार्षिक उद्यान उत्सव के उद्घाटन करने के बाद जो है राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन 6 फरवरी से 9 मार्च तक जो है 9:30 से जो है 4 बजे शाम तक जो है खुला हुआ रहेगा, सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसका प्रमुख आकर्षण जो है नीदरलैंड से
आयात किए गए 10,000 ट्यूलिप फूल हैं, यानी कि इस गार्डन में जो है ट्यूलिप फूल लगाए गए हैं जो कि 10,000 की संख्या में है, और ये जो है नीदरलैंड से आयात किए गए हैं। तो इसीलिए जो है इसी चीज़ को सार्वजनिक करने के लिए जो है आज से लेकर 9 मार्च तक जो है 9:30 बजे से 4 बजे तक के बीच जो ये सार्वजनिक गार्डन बन जाएगा, ये मुगल गार्डन। क्लियर है। चलिए अगली करंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो शुभांकर शर्मा ने जीता है यूरोपीय खिताब। अब क्या जीता है आगे देखते हैं। तो भारत के शुभांकर शर्मा ने जो है रविवार को 4 स्ट्रोक के घाटे से वापसी करते हुए 2 शॉट की जीत के साथ जो है अपने दूसरे यूरोपीय टूर्नामेंट के जो है के लिए मलेशिया में बैंक चैंपियनशिप जीती है। ठीक है। स्पेन के 31 वर्षीय जॉर्ज कैम्पिल्लो को पछाड़ते हुए इस भारतीय ने 10 बर्डी खेलकर खिताब पर कब्जा जमाया है। तो शुभांकर शर्मा ने जो है जीता है यूरोपीय खिताब। चलिए अब हम अगले करेंट न्यूज़ की बात करें तो करेंट जीके की बात करें तो मुंबई हवाई अड्डे ने जो है बनाया है एक नया रिकॉर्ड। मुंबई हवाई अड्डे ने जो है अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। उन्होंने एक बार रिकॉर्ड मापा था कि 974 उड़ान के रिकॉर्ड को जो है तोड़ते हुए 20 जनवरी को 24 घंटे में 980 उड़ान भरे हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहलाता है, इस हवाई अड्डे का नाम है। तो ये अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रखा है। 974 उड़ान पहले की रिकॉर्ड दर्ज की गई थी और अभी 20 जनवरी को जो है 24 घंटे में 980 उड़ान भरी गई है। तो ये भी एक जीके टाइप का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से भी कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहो क्योंकि वीडियो लंबी जाएगी, क्योंकि बहुत सारा करेंट अफेयर्स जीके है, तो आप लोग बोर ना हो और आराम से देखते जाओ वीडियो को। क्लियर। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं वीडियो को फटाफट आपके सामने रख पाऊँ। अगली खबर जो है आपकी आ रही है, जंगल में खोजा गया प्राचीन मायान शहर। अब आइए बात करते हैं ये मायान शहर है क्या। पुरातत्वविदियों ने ग्वाटेमाला के पेटेन क्षेत्र के जंगल में एक प्राचीन मायान शहर की खोज की, जो कि मैंने अभी पिछले जगह में बताया था, जिसमें हवाई मानचित्रण तकनीक का उपयोग किया गया है। शोधकर्ता ने जो है इस क्षेत्र के 2100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मापा गया है और घरों, इमारतों, इमारतें, रक्षा कार्यों और पिरामिड सहित 60,000 से अधिक छिपे हुए मायान अवशेष खोजे गए हैं। क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं अगले जीके की। तो अगले जीके आ रही है हमारी, सिंधु इंडियन ओपन में रही उपविजेता। तो देखिए सिंधु जी, आप उपविजेता नहीं बने, विजेता बने। क्लियर। आप लोग आप जो है एक पीछे सड़क गए हो। तो चलिए बात करते हैं, रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु रविवार को फाइनल में अमेरिका की बेवेन झांग से हारने के बाद जो है उपविजेता रही। काफ़ी दुखद की बात है। सिंधु ने पिछले साल ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मरीन को हराकर इंडियन ओपन का खिताब भी जीता था इन्होंने। ठीक है। अगली करंट जीके की अगर हम बात करें तो डाकघर में भी आरक्षण काउंटर, क्या बात है। रेलवे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रही है कि भारतीय रेलवे ने जो है पूरे देश के डाकघरों में यात्री आरक्षण प्रणाली PRS काउंटर स्थापित करने के लिए जो है डाक विभाग के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो काफ़ी अच्छी बात है। वर्तमान में लगभग 280 डाकघरों में PRS काउंटर होगा। यह जो व्यवस्था है उन क्षेत्रों में खोले जाएंगे जहाँ की आरक्षण काउंटर नहीं है, वहाँ पे डाकघर में ही जो है आप लोग रिजर्वेशन करा सकते हो। क्लियर। तो ये एक अच्छी पहल है, ये आप लोग याद रखना। अब अगली जगह की हम बात करें तो आप लोगों को पता है ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्योंकि 2017 में लास्ट में जो है क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी होर शोर था, नाम था। तो मार्च से जो है सरकार नियंत्रण करेगी क्रिप्टो करेंसी। आइए, अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में उतना पता नहीं है मुझे, लेकिन बस ये छोटे न्यूज़ से आप लोग समझ जाओ कि आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा, आर्थिक मामलों के सचिव कौन है, सुभाष चंद्र गर्ग, तो उसने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक क्रिप्टो करेंसी के लिए एक नया नियम होगा। जी हाँ दोस्तों, कि क्रिप्टो करेंसी में ये क्या है कि ये आपको बहुत ही बहुत बैठे बैठे करोड़पति बना सकता है और बैठे बैठे आपको गरीबी बना देगा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान में परिचालन कर रहे एक्सचेंज विनियमता नहीं है और KYC के संचालन की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है। तो बजट में सरकार ने कहा कि गैर कानूनी गतिविधियां में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल खत्म करने के लिए सभी उपाय करेगी। ठीक है। ये काफ़ी भारत में जो है छा गया है क्रिप्टो करेंसी, तो इसी को ख़त्म करने के लिए, ये एक वर्चुअल करेंसी। ठीक है। इसमें लोग पता नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा ये तो कुछ ही पता नहीं है, लेकिन लोग
को बस चाहिए फ्री में सारा कुछ। तो चलिए हम लोग अगली जीके की बात करें, तो ये इम्पोर्टेंट जीके है। चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करेगा लैंड। ये हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास नरम भूमि पर लैंड कराने के लिए जो है दुनिया के पहले मिशन पर भेजने की योजना बना रही है। कौन सी योजना बना रही है? तो चंद्रयान 2, इससे पहले चंद्रयान 1 भी भेजा गया है, तो इससे पहले इसके बाद जो है चंद्रयान 2 का योजना बना रही है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। ठीक है, इसरो के पूर्व प्रमुख, याद रहे दोस्तों कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसरो के पूर्व प्रमुख कौन है, तो इसरो के पूर्व प्रमुख जो है आपका AS किरण कुमार ने कहा कि यह मिशन 2018 के छमाही या पहली तिमाही में हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अगली जीके न्यूज़ की हम बात करें, तो एक अनुमानित किया गया था 1970 के दशक में एक अनुमानित किया गया था कि कण के साथ अनुमानित किए गए कण का साक्ष्य मिला है, यानी कि 1970 में कुछ अनुमान किया गया था कि ऐसा कण होने वाला है, तो उसी का साक्ष्य मिला है। आइए हम लोग जानते हैं। तो फ्रांस में लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में 100 से अधिक भौतिकविदों कि एक टीम ने दावा किया था कि ओडेरॉन, ठीक है ना, ओडेरॉन नामक एक उपप्रमाणिक जो है क्वासी पार्टिकल जो है, आप पढ़ लो यहाँ पे, मुझे थोड़ा कुछ ये अटपटा सा वर्ड अगर इंग्लिश में रहता तो समझ में आ जाता, क्वा पार्टिकल के अस्तित्व का एक संभावित जो है सबूत मिल गया है। सबसे पहले जो है ये 1970 के दशक में इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी की गई थी, अब जो है उसका साक्ष्य यानी कि प्रूफ यानी कि सबूत मिल चुका है कि ऐसा भी एक कण पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो अगली जीके की हम बात करेंगे। अगली जीके आ रही है हमारी ढाका के साइड से। तो ढाका में जो है आतंकवादी हमले के शिकार पर एक किताब जारी किया गया है। तो चलिए, अब ढाका में कब इस तरह से आत्मघाती हमला जो है आतंकवादी लोग ने किया था? तो ढाका के गुलशन इलाके में 1 जुलाई 2016 को आतंकवादी हमले में जो है मारे गए 19 वर्षीय बांग्लादेशी अभिनेता कबीर के जीवन पर आधारित किताब जो है मुलुबोध ओ स्वप्नार नाम नामक एक किताब जारी किया गया। कौन सा किताब जारी किया गया है? अभिनेता कबीर के जीवन पर आधारित कौन सा किताब जारी किया गया है? तो मुलुबोध ओ स्वप्नार नाम। ठीक है, आप लोग याद रखना इसे, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तो अगली खबर आ रही है हमारे ओडिशा से। तो ओडिशा में जो है नवा कुमार नायक को राज्य EC नियुक्त किया गया। क्यों नियुक्त किया गया, आप देखिए जानते हैं यहाँ पे। तो सेवानिवृत्त नौकर सा नवा कुमार नायक को राज्य चुनाव आयुक्त SEC के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये पुराने IAS अधिकारी जो है नायक को चुनाव प्रशासन के साथ लंबे समय तक कार्य करने की जो है एक क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस है, तो अनुभव है, इसीलिए जो है इसे उड़ीसा में जो है इसे राज्य EC नियुक्त किया गया। ठीक है, अगली खबर आ रही है हमारा कि CUK ने जो है जीता इंडियन ओपन पुरुष एकल खिताब। जी हाँ दोस्तों, ये सब स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है, ये सब अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस सब पे जो है ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा आप लोगों को याद हो जाए। देखिए PDF से क्या होगा कि फ़ोन में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं PDF मांगते हैं कि सर PDF दे दीजिए। आप PDF कितने दिन पढ़ोगे? PDF मेरे फ़ोन में इतना है कि मैं एक PDF को खोल नहीं पाता हूँ। ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना PDF मांगते हैं, PDF डाउनलोड करके रख लेते हैं अपने फ़ोन में, उसे एक बार भी खोल के नहीं देखा था, उसको मन ही नहीं करेगा। जब तक आप लोग देखोगे नहीं, जब तक आप लोग आँख से देखोगे नहीं, कान से सुनोगे नहीं, तब तक आपको जो है विजुअलाइज़ नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो है ऑडियो वीडियो से क्या होता है कि आपको ऑन टाइम पे जो है माइंड में सेटअप होते जाता है। एक देखिए, मैं आपको कॉर्नर पे मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, सामने आपके GK है, मैं पढ़ के भी आपको सुना रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। इससे क्या होगा कि आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं, वो अलग बात है। तो इंडियन ओपन पुरुष का खिताब कौन जीता? तो CUK ने जीता है। 2017 में CUK द्वारा एक भी एकल खिताब नहीं जीतने के बाद जो उन्होंने पहली बार इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत हासिल दर्ज की है। ठीक है, महिलाओं के अनुभाग में विभिन्न जांग ने भी जीत दर्ज की है। ठीक है,
अब चलते हैं अगली और लास्ट है हमारा ये, और ये अच्छा जीके है, करंट जीके, ये क्वेश्चन एकदम पूछने लायक है, अभी आने वाले CHSL में भी पूछ सकता है इसे। तो द शेप ऑफ वाटर एक फिल्म है, द शेप ऑफ वाटर के निर्देशक गिल्लेमोरो डेल टोरो ने जो है डायरेक्ट किया था, गिल्ड ऑफ अमेरिका डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार में फीचर फिल्म में आउटस्टैंडिंग डायरेक्टोरियल अचीवमेंट का पुरस्कार जीता है। तो यह फिल्म जो है आपका द शेप ऑफ वाटर ने जो है जीता है गिल्ड अवार्ड्स, ठीक है। तो डायरेक्टर गिल्ड अवार्ड ऑफ अमेरिका जो है एक पुरस्कार है जो कि फीचर फिल्म में जो आपको अचीवमेंट मिला है। इसे ऑस्कर के लिए जो 2018 में इस फिल्म को 13 नॉमिनेशन मिले हैं, अब देखिए ऑस्कर अवार्ड भी ये जीत ही जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, करंट अफेयर्स हमारा आज का ख़त्म हो चुका है। अब आपको ये वीडियो आई थिंक 9 बजे तक मिल जाएगी। अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। और जो नए लोग हैं उससे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो पाना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है और बगल में घंटी वाला भी बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब बटन दबा के घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको एकदम राइट टाइम पर वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपका दिन शुभ हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।